माता यहाँ पंडाल में उपस्थित देश और प्रदेश के कोने कोने से आए सम्मानित माताओं बहनों भाइयों मंच पर मंचासीन सम्मानित माननीय अतिथियों और वर्चुअल जुड़े लाखों लोगों और यहाँ कुल के समाज की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। भारत के हे भाग्य विधाता प्रेरणाओं के प्रेरणा पुंज जन गण मन के हृदय के वासी जन जन के विश्वास हमारे विश्व नायक माँ भारती के सच्चे सबूत जिनका प्रत्येक क्षण माँ भारती की सेवा यज्ञ में अर्पित है जो भारत के नव विकास के आधुनिक शिल्पकार है दलितों पिछड़ों शोषितों महिलाओं सहित पूरे भारत की बुलंद आवाज है देश के अंतिम व्यक्ति के चौमुखी विकास के लिए संकल्पित समर्पित आदरणीय परम आदरणीय श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करने के साथ ही अब हम जो बच्चे स्कूल के हैं उनसे प्रार्थना अपनी शुरुआत करने के लिए आरंभ कर दिए स्वागत में। धन्यवाद। अब इसी क्रम गाजीपुर की धरती से श्री नरसिंह यादव जी द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में गीत प्रस्तुत के लिए आमंत्रित करते हैं। नरसिंह जी आदरणीय सम्मानित मंच हम सबके गार्जियन पूर्व सांसद आदरणीय सुखराम सिंह यादव जी और हम सबके प्रदेश नहीं देश के अंदर युवाओं की दिल के धड़कन हम लोगों के मित्र परम आदरणीय मोहित सिंह यादव जी मंच पर बैठे। अब मैं डॉक्टर नरसिंह यादव
जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश से माननीय नरेंद्र मोदी पर एक गीत बनाया हूँ। जहिया अरे जहिया मोदी जी ले हलाए आवा तारा देशवा जय जयकार करे। अरे मोदी जी की बात निराली, अरे मोदी जी की बात निराली, जो तर पर आज जाए खाली, अरे जो तर पर आए न जाए खाली। ये भैया भारत माँ के भैले खेवन हरा देशवा जय जयकार करे। मोदी जी का एक नारा है, सबका साथ विकास का नारा, देहलन सबके लिए दुलारा, अरे देहलन सबके लिए दुलारा। ये भैया दुनिया में मचला कर देशवा जय जयकार करे। अगली लाइन है, न मोदी जैसा कोई शासक, न मोदी जैसा कोई शासक, देश की जनता बनी उपासक, अरे देश की जनता बनी उपासक। भैया ये भैया जनता मांगे फिर मोदी सरकार देशवा जय जयकार करे। अरे चौधरी हरिमोहन सिंह यादव के सरताज देश की, अरे रख ले देशा के उलाज। ये भैया अरे रख ले देशवा के उलाज। ये भैया सौर चक्र का पौला ऊपर की देशवा जय जयकार करे। मोदी युवा दिलों की चाहत, मोदी जी की चाहत है चौधरी मोहित यादव ऐसे नौजवान हमारी पार्टी में जुड़े। मोदी जी के युवा दिलों की चाहत चौधरी मोदी के बनले बात। अरे चौधरी मोहित मोदी जी के बनले बात। ये भैया चौधरी सुखराम के दुलार देशवा जय जयकार करे। अंतिम लाइन है, नरसिंह यादव की ये गीत पढ़ाएगी जनता में ये प्रीत। ए भैया चौधरी मोहित सुखराम के दुलार देशवा जय जयकार करे। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चौधरी हरमोहन सिंह जन कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री मोहित यादव जी द्वारा स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। मोहित यादव जी, सौर चक्र विभूषित यदुकुल शिरोमणि पूर्व सांसद पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा स्वर्गीय चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आधुनिक विश्व के महानायक सनातन संस्कृति के महायोद्धा उन्नत भारत के निर्माता हम सब के जन जन के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत के शीर्ष पुरुष आदरणीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में आज के इस समारोह को इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखा जा रहा है और ये समारोह पूरे देश के करोड़ों युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करेगा। आज का आपका उद्बोधन भारत के यदुकुल समाज के साथ साथ तमाम भारतवासियों को नई दिशा भी देगा। स्वर्गीय चौधरी हरमोहन सिंह यादव ना एक नेता थे, वह एक विचारधारा थे जो आज भी कहीं ना कहीं पूरे देश में पूरे विश्व में जीवित है। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को राष्ट्रवाद की धारा में जोड़ने का काम किया। किसान परिवार में जन्मे चौधरी साहब 1952 में पहली बार निर्विरोध प्रधान निर्वाचित हुए। अपने राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाते हुए भारत के उच्च सदन राज्यसभा तक पहुंचे।
चौधरी साहब ने अपना पूरा जीवन सामाजिक समरसता को स्थापित करने एवं गैर राष्ट्रवादी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लगने में लड़ाया। चौधरी साहब ने 1984 के दंगों में अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने पुत्र श्री सुखराम सिंह यादव जी के साथ दंगाइयों का घंटों मुकाबला किया, उनका सामना किया और सैकड़ों सिख परिवार की जान बचाई। उनके इस पराक्रम को सम्मानित करते हुए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। हम ऐसे महापुरुष, ऐसे महायोद्धा को आज उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर शत शत नमन करते हैं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित पिता तुल्य श्री दिनेश शर्मा जी का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ विधानसभा के अध्यक्ष श्री सतीश माना जी का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज ये भी उल्लेखनीय है कि इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित हुए हैं। साथ ही वर्चुअली के तौर पे देश एवं विश्व के कोने कोने में आज इस कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है। प्रमुख रूप से जो मंच पे लोग उपस्थित हैं उसमें श्री वासुदेवालू जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अखिल भारत श्री यादव महासभा के, कर्नाटका राज्य से आते हैं। तमिलनाडु से जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं नंद गोपाल जी, कर्नाटका से रामू कुनाड राष्ट्रीय सचिव, क्षत्रिय जो यदुवंशी राजघराना है जैसलमेर का राजघराना वहां के महाराजा विक्रम सिंह जी, बिहार यादव महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रदेव जी, तमिलनाडु से जी जी कन्नन जी, तमिलनाडु से जे रामचंद्रन जी, पश्चिम बंगाल से के सी कपास जी, दिल्ली से श्री रविंदर यादव जी, तेलंगाना से आर प्रकाश यादव जी, केरल से रामेश्वरम से गुरु स्वामी जी, उत्तर प्रदेश यादव महासभा के प्रदेश महासचिव विश्राम सिंह यादव जी, झारखंड से कैलाश यादव जी, पूर्व मंत्री मनोज यादव जी, राजस्थान से मनोज यादव जी, मध्य प्रदेश से सुरेंद्र सिंह यादव, प्रेम सिंह यादव एवं आए हुए प्रदेश के कोने कोने और देश के कोने कोने से सभी अतिथियों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मुझे मेरे बड़े बाबा, मेरे बड़े दादाजी स्वर्गीय चौधरी राम गोपाल सिंह यादव और चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी ने हमेशा किसानों, गरीबों, पिछड़ों और वंचितों के लिए लड़ाई लड़ने का हमेशा मुझे पाठ पढ़ाया है, हमेशा मुझे सीख दी है। आज इस मंच के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे पूर्वजों ने मुझे पाठ पढ़ाया है, मुझे सीख दी है, माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शन से मैं समाज में निरंतर काम करता रहूंगा। एक बार पुनः मैं हम सबके गौरव, हम सबके नेता, हम सबकी आन बान शान माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मोहित जी। मैं कालीशंकर पूर्वांचल की धरती गोरखपुर से अध्यक्ष श्री कृष्ण धर्मपीठ एवं संयोजक यदुकुल शिरोमणि श्रृंखला कानपुर की धरती पर पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी से चाहेंगे कि वे अपने आशीर्वादनों से हम लोग को सिंचित करने की कृपा करें। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। मैं स्वर्गीय हरमोहन सिंह यादव जी, उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें आदरपूर्वक नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं सुखराम जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे इतने स्नेह के साथ आमंत्रित किया। मेरी हार्दिक इच्छा भी थी कि मैं इस कार्यक्रम के लिए कानपुर आकर आप सबके बीच उपस्थित रहूं, लेकिन आज हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक अवसर भी है। आज हमारी नई राष्ट्रपति जी का शपथ ग्रहण हुआ है। आजादी के बाद पहली बार आदिवासी समाज से एक महिला राष्ट्रपति देश का नेतृत्व करने जा रही है। ये हमारे लोकतंत्र की ताकत का, हमारे सर्वसमावेशी विचार का जीता जागता उदाहरण है। इस अवसर पर आज दिल्ली में कई जरूरी आयोजन हो रहे हैं। संवैधानिक दायित्वों के लिए मेरा दिल्ली में रहना बहुत स्वाभाविक जरूरी भी रहता है, इसलिए मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज आपसे जुड़ रहा हूं। साथियों, हमारे यहां मान्यता है कि शरीर के जाने के बाद भी जीवन समाप्त नहीं होता।
गीता में भगवान श्री कृष्ण का वाक्य है, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, अर्थात आत्मा नित्य होती है, अमर होती है। इसलिए जो समाज और सेवा के लिए जीते हैं वे मृत्यु के बाद भी अमर रहते हैं। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी हो या आजादी के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी, ऐसी कितनी ही महान आत्माओं के अमर विचार हमें आज भी प्रेरणा देते हैं। लोहिया जी के विचारों को उत्तर प्रदेश और कानपुर की धरती से हरमोहन सिंह यादव जी ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ाया। उन्होंने प्रदेश और देश की राजनीति में जो योगदान किया, समाज के लिए जो कार्य किया, उनसे आने वाली पीढ़ियां उनको निरंतर मार्गदर्शन मिल रहा है। साथियों, चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी ने अपना राजनीतिक जीवन ग्राम पंचायत से शुरू किया था। उन्होंने ग्राम सभा से राज्यसभा तक का सफर तय किया। वो प्रधान बने, विधान परिषद सदस्य बने, सांसद बने, एक समय मेहरबान सिंह का पुरवा से यूपी की राजनीति को दिशा मिलती थी। राजनीति के शिखर तक पहुंचकर भी हरमोहन सिंह जी की प्राथमिकता समाज ही रहा। उन्होंने समाज के लिए सक्षम नेतृत्व तैयार करने के लिए काम किया। उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाया, लोहिया जी के संकल्पों को आगे बढ़ाया। उनका फौलादी व्यक्तित्व हमने 1984 में भी देखा था। हरमोहन सिंह यादव जी ने न केवल सिख संहार के खिलाफ राजनीतिक स्टैंड लिया, बल्कि सिख भाई बहनों की रक्षा के लिए वो सामने आकर के लड़े। अपनी जान पर खेलकर उन्होंने कितने ही सिख परिवारों की, मासूमों की जान बचाई। देश ने भी उनके इस नेतृत्व को पहचाना, उन्हें शौर्य चक्र दिया गया। सामाजिक जीवन में हरमोहन सिंह यादव जी ने जो आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया वो अतुलनीय है। साथियों, हरमोहन सिंह जी ने संसद में श्रद्धेय अटल जी जैसे नेताओं के दौर में काम किया था। अटल जी कहते थे, सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, मगर ये देश रहना चाहिए। यही हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, क्योंकि दलों का अस्तित्व लोकतंत्र की वजह से है और लोकतंत्र का अस्तित्व देश की वजह से है। हमारे देश में अधिकांश पार्टियों ने, विशेष रूप से सभी गैर कांग्रेसी दलों ने, इस विचार को, देश के लिए सहयोग और समन्वय के आदर्श को निभाया भी है। मुझे याद है जब 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तब हर एक प्रमुख पार्टी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी हो गई थी। जब देश ने पहला परमाणु परीक्षण किया तो सभी पार्टियां उस समय भी उस समय की सरकार के साथ डटकर खड़ी हो रही। लेकिन आपातकाल के दौरान जब देश के लोकतंत्र को कुचला गया तो सभी प्रमुख पार्टियों ने, हम सब ने एक साथ आकर
संविधान को बचाने के लिए लड़ाई भी लड़ी। चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी भी उस संघर्ष के एक जुझारू सैनिक थे। यानी हमारे यहां देश और समाज के हित विचारधाराओं से बड़े रहे हैं। हालांकि हाल के समय में विचारधारा या राजनीतिक स्वार्थों को समाज और देश के हित से भी ऊपर रखने का चलन शुरू हो गया है। कई बार तो सरकार के कामों में विपक्ष के कुछ इसलिए अड़ंगे लगाते हैं क्योंकि जब वो सत्ता में थे तो अपने लिए फैसले वो लागू नहीं कर पाए। अब अगर उनका क्रियान्वयन होता है तो उसका विरोध करते हैं। देश के लोग इस सोच को पसंद नहीं करते हैं। यह हर एक राजनीतिक पार्टी का दायित्व है कि दल का विरोध, व्यक्ति का विरोध देश के विरोध में न बदलें। विचारधाराओं का अपना स्थान है और होना भी चाहिए। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तो हो सकती हैं, लेकिन देश सबसे पहले है, समाज सबसे पहले है, राष्ट्र प्रथम है। साथियों, लोहिया जी का मानना था कि समाजवाद समानता का सिद्धांत है। वो सतर्क करते थे कि समाजवाद का पतन उसे असमानता में बदल सकता है। हमने भारत में इन दोनों परिस्थितियों को देखा है। हमने देखा है कि भारत के मूल विचारों में समाज वाद और विवाद का विषय नहीं है। हमारे लिए समाज हमारी सामूहिकता और सहकारिता की संरचना है। हमारे लिए समाज हमारा संस्कार है, संस्कृति है, स्वभाव है। इसलिए लोहिया जी भारत के सांस्कृतिक सामर्थ्य की बात कहते थे। उन्होंने रामायण मेला शुरू कर हमारी विरासत और भावनात्मक एकता के लिए जमीन तैयार की। उन्होंने गंगा जैसी सांस्कृतिक नदियों के संरक्षण की उसकी चिंता दशकों पहले की थी। आज नमामि गंगे अभियान के जरिए देश उस सपने को पूरा कर रहा है। आज देश अपने समाज के सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनरुद्धार कर रहा है। ये प्रयास समाज की सांस्कृतिक चेतना को जीवंत कर रहे हैं, समाज की ऊर्जा को, हमारे पारस्परिक जुड़ाव को मजबूत कर रहे हैं। इसी तरह नए भारत के लिए देश अपने अधिकारों से भी आगे बढ़कर आज कर्तव्य की बात कर रहा है। जब कर्तव्य की ये भावना मजबूत होती है तो समाज अपने आप मजबूत होता है। साथियों, समाज की सेवा के लिए ये भी आवश्यक है कि हम सामाजिक न्याय की भावना को स्वीकार करें, उसे अंगीकार करें। आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है तो ये समझना और इस दिशा में बढ़ना बहुत जरूरी है। सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिले, जीवन की मौलिक जरूरतों से कोई भी वंचित न रहे। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिलाएं, दिव्यांग जब आगे आएंगे तभी देश आगे जाएगा। हरमोहन जी इस बदलाव के लिए शिक्षा को सबसे जरूरी मानते थे।
उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया, उसने कितने युवाओं का भविष्य बनाया, उनके कामों को आज सुखराम जी और भाई मोहित आगे बढ़ा रहे हैं। देश भी शिक्षा से सशक्तिकरण और शिक्षा ही सशक्तिकरण के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। इसलिए आज बेटियों के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान इतने सफल हो रहे हैं। देश ने आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए एकलव्य स्कूल शुरू किए हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान भी किया गया है। कोशिश यही है कि गांव गरीब परिवारों से आने वाले बच्चे अंग्रेजी की वजह से पीछे न रह जाएं। सबको मकान, सबको बिजली कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत सबको साफ पानी, किसानों के लिए सम्मान निधि, ये प्रयास आज गरीब पिछड़े दलित आदिवासी सभी के सपनों को ताकत दे रहे हैं। देश में सामाजिक न्याय की जमीन मजबूत कर रहे हैं। अमृतकाल के अगले 25 साल सामाजिक न्याय के इन्हीं संकल्पों की पूर्ण सिद्धि के साल है। मुझे विश्वास है देश के इस अभियान में हम सब अपनी भूमिका निभाएंगे। एक बार फिर श्रद्धेय स्वर्गीय हरमोहन सिंह यादव जी को विनम्र श्रद्धांजलि। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी सुखराम सिंह यादव जी से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए अनुग्रह करेंगे। परम आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, मंच पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय महाना जी, आदरणीय शर्मा जी, आदरणीय राकेश सचान जी और पूरे लगभग 12 प्रदेशों से आए हुए यादव समाज के सभी नेतागण, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, आज मैं माननीय मोदी जी के विचार को सुन करके अपने गांव और गांववासियों की ओर से उनका हार्दिक आभार और उनका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने जिस प्रकार से हमारे पिताजी के बारे में जो चर्चा की है, उस चर्चा का मैं समझता हूं जितना मूल्यांकन हम लोग कर पाएंगे पूरे देश और प्रदेश में उसका मूल्यांकन करेंगे। और मोदी जी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि हमने अपने बेटे को सौंप दिया है आपको। अब मैं कहना चाहूंगा आपसे, राजनीति में हमारे परिवार को बहुत कुछ मिला है क्योंकि चिंता हमें नहीं है, लेकिन जो मान सम्मान आपने दिया है, एक बार के अनुरोध पर मैं अपनी पत्नी के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी बहू के साथ आपसे मिला था, आपसे अनुरोध किया था, आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, हमारे गांव वालों को कहना है कि हमको मजा नहीं आया। उनका मजा जब आएगा, जब आप व्यक्तिगत रूप से सामने आकर के एक बार हमारे गांव वासियों को एक बात को संबोधित करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, निकट भविष्य जब भी प्रोग्राम मेरे कानपुर का, जब भी आप कानपुर आवे, उस कानपुर के लिस्ट में हमारे गांव बरवान सिंह पुरवा का नाम जरूर लिख लीजिएगा कि हमारे गांव में पहले दो मुख्यमंत्री आ चुके हैं, एक दो प्रधानमंत्री आ चुके हैं, एक चौधरी चरण सिंह जी और एक चंद्रशेखर जी। मैं समझता हूँ आप जब आओगे हमारे गांव वाले खुश हो जाएंगे, आज ही हमारे पास हमारा प्रधानमंत्री है। इसलिए मैं चाहूंगा आपसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि अभी मैं बरगांव गया था, विदेश गया था, वहां के अपने देशवासियों से मैंने बात की थी, जो निष्ठा आपके प्रति है देशवासियों के मन में, मैं समझता हूँ इस आपके आने के बाद जो भारत की विदेश नीति है उसमें जो बढ़ोतरी हुई है उसका श्रेय मैं आपको मानता हूँ। और आपकी विदेश नीति के कारण आज हिंदुस्तान के बाहर भी हमारी चर्चा होती है, आपकी प्रशंसा होती है, आपकी क्षमता से मैं व्यक्तिगत बहुत प्रभावित हूँ। इतना काम करते हैं, इतने लोगों की बात सुनते हैं और छोटे से छोटे आदमी की बात को मन में रख लिया करते हैं, ये ऐसी श्रेणी के लोग हैं
जो भगवान उनको आशीर्वाद देता है, मैं समझता हूँ आपको भी आशीर्वाद भगवान का दिया आशीर्वाद है, जिसमें और बढ़ोतरी होनी है, कभी कभी नहीं होने पाएगी। और मोदी है तो मुमकिन है का नारा मैं कहना चाहूंगा कि मोदी है तो मुमकिन है, और जो आपके अंदर क्षमता है उस क्षमता का मैंने पहले प्रधानमंत्री नहीं देखा है। मैंने पहले कहा आदरणीय चंद्रशेखर जी और चौधरी चरण सिंह को देखा है, लेकिन अरुण बिहारी वाजपेयी को सुना जरूर है, उनसे नदी का संपर्क भी रहा है। मैं समझता हूँ तीनों श्रेणियों में आप सबसे आगे निकल गए हैं, और आपकी क्षमता को देख करके ऐसा महसूस करने लगा है कि देश का नौजवान कि मोदी जी है, हर काम में कहीं कोई कमी नहीं आने पाएगी। इन शब्दों के साथ आपने समय दिया, हमारा मान सम्मान बढ़ाया, हमारे पिता को याद किया और हमारे गांव वासियों को मनोबल को बढ़ाया। मैं आपकी भूरूप प्रशंसा करता हूँ और चाहता हूँ कि लड़का मोहित आपको मैंने सौंप दिया है, कि लड़के का आपको देखना है, आपको समझाना है, जो चाहे आप करें आप पर पूरा निर्भर करेगा। कि हम लोग पुराने सोशलिस्ट पार्टी के लोग हैं, हम लोग सोशलिस्ट पार्टी के लोग से माननीय मुलायम सिंह के साथ रह करके आज मोदी जी की जय जयकार कर रहे हैं। इसे मैं कहना चाहूंगा आपसे कि आपका भविष्य, हमारे लड़के का भविष्य, पूरे परिवार का भविष्य, इस गांव का भविष्य, इस क्षेत्र का भविष्य आपके हाथों में है। जय मोदी, जय भारत, जय हिंद। नमस्कार सर, सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करती हूं। मैं माननीय मंत्री युवा कार्यक्रम और खेल विभाग का भी स्वागत करती हूं, माननीय राज्य मंत्री युवा कार्यक्रम और खेल विभाग का भी स्वागत करती हूं। सर, आज का दिन हमारे लिए विशेष है। आज हमारा जो कॉमनवेल्थ गेम्स में खेलने के लिए